आरपीएफ ने रेलवे प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा अभियान की करी शुरुआत। यात्रियों को हेल्पलाइन नंबर 182 की दी जानकारी। आज यात्रियों की सुरक्षा के लिए आरपीएफ ने रेलवे पर सुरक्षा अभियान की शुरुआत करते हुए यात्रियों को 182 की जानकारी दी, जिसमें यह बताया कि अगर आपके साथ रेल में कोई घटना हो या कोई हादसा होता है तो आप मदद के लिए तुरंत 182 पर कॉल करें और मौके पर जो भी फोर्स पहुंच पाएगी वो पहुंचेगी और आपकी मदद करेगी। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अगर महिला कोच में कोई पुरुष एंट्री करता है तो महिलाओं को तुरंत 182 पे कॉल करें, क्योंकि हमारे देश में 182 पे कॉल करते ही इतना जल्दी एक्शन लिया जाता है, जो आपने अभी देखा है थोड़ी देर पहले कि कितना जल्दी एक्शन लिया जाता है, तो उसमें महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। जैसे हम कॉल करते हैं तो तुरंत वहाँ पे आरपीएफ, जीआरपी जो भी स्टाफ मौजूद होता है वो तुरंत महिला कोच को अटेंड करता है और उनके खिलाफ जो बैठे रहते हैं उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लेता है। मेरा नाम मंजू यादव है। ये अभियान चला जा रहा है जिसके तहत अपील भी की जा रही है कि जो सिक्योरिटी हेल्पलाइन 182 है इसके बारे में आम जन को पता हो, जिसमें यात्रा करने वाले जो भी यात्री हैं, चाहे वो पुरुष यात्री हो चाहे महिला यात्री हो, उनको कोई भी दिक्कत आती है वो इस हेल्पलाइन के माध्यम से आरपीएफ की मदद ले सकते हैं। क्या रहता है सर, अगर कोई महिलाओं पे स्पेशल क्या अभी कुछ आपने आरपीएफ की तरफ से किस तरह की कार्रवाई होती है? आरपीएफ और जीआरपी दो होती हैं स्टेशन के ऊपर। अगर सिर्फ सिंपल 162 रेलवे एक्ट का अगर कोई अपराध है महिला कोच में अगर कोई यात्री कर रहा है तो उसमें आरपीएफ कार्रवाई करती है, अन्यथा अगर कोई मोलेस्टेशन का या किसी और अन्य धारा का कोई मामला बनता है तो आरपीएफ और जीआरपी दोनों अटेंड करती हैं। जो भी पहले फोर्स पहुंचती है वो संबंधित को सूचित कर देती है जिसका भी मामला होता है। और सर आज रेलवे स्टेशन में आपने कैसे संदेश करी लोगों को? ये हमने लोगों को ये एक विश्वास दिलाने की कोशिश की है कि आरपीएफ सदैव आपकी सुरक्षा में तत्पर है, आपकी जितनी भी ग्रीवांस से कंप्लेंट है उसके लिए राउंड द क्लॉक हमारे जवान लगे रहते हैं और आप बिल्कुल भय ना खाएं। यहाँ पे रेलवे में जो माँ बहन बेटियाँ हैं वो सुरक्षित सफ़र है उनका, और उनके लिए जो महिला कोच है, महिला प्रतीक्षालय हैं वहाँ पे उनके कोई भी दिक्कत नहीं है, वो हमारी सीसीटीवी की नज़र में भी हैं लोकल अगर अजमेर की बात करें तो। बाकी हर जगह हमारे स्टाफ जो नाइट जो बाउंड ट्रेन है उसमें एस्कॉर्टिंग चलती है तो उनको तुरंत मदद पहुँचेगी।